हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बन पिज्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैं बहुत साल से बना रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। आई होप मेरी फेवरेट रेसिपी आप सबको भी पसंद आएगी। तो चलो देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने लिया है ये बड़ा वाला पाव, ये मार्केट में ईजिली मिलता है। मैंने इसको ऐसे बीच से कट कर लिया है ऐसे। अब मैं इस पाव में दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा लूँगी। बटर से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दोनों साइड में मैंने बटर लगा लिया है। ये टॉप वाला साइड है, ये नीचे वाला साइड है। अब नीचे वाले साइड में मैं लगाऊंगी पिज्जा सॉस। ये मार्केट का पिज्जा सॉस है, आप अपने हाथ से बनाया हुआ भी लगा सकते हो। सॉस मैंने लगा दिया इसमें अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर प्याज और टमाटर लगा रही हूँ। इसे मैंने ऐसे पतला पतला स्लाइस किया है। आप चाहो तो नॉर्मली जैसे काटते हैं वैसे बड़ा बड़ा पीसेस में भी काट सकते हो। प्याज और टमाटर मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा पिज्जा ओरिगेनो। इसके बिना पिज्जा में टेस्ट ही अच्छा नहीं आता है ओरिगेनो के बिना। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल रेगुलर जो रेड चिली हम यूज करते हैं आप वो भी डाल सकते हो। अब मैं लगा दूंगी इसके ऊपर चीज। चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा ओरिगेनो और डाल रही हूं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा केचप डाल रही हूं। आप चाहो तो इसे बेक करने के बाद भी ऊपर से केचप लगा सकते हो, लेकिन मुझे केचप के बाद बेक करने का टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है। बस हो गया। अब मैं इसे कवर कर दूंगी इससे ऐसे। मैंने कवर कर दिया इसे। अब मैं इस बन के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। आप चाहो तो इस बन को आप तवे के ऊपर में भी बेक कर सकते हो, किसी भी बर्तन से ढक करके 2 मिनट के लिए ये बन जाएगा पिज्जा। मैं इसे माइक्रोवेव में रख के आती हूँ 2 मिनट के लिए। बन पिज्जा रेडी गाइज। आई होप मेरी ये फेवरेट रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई होगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।